नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा था कि ए बी का एक मिड पॉइंट था सी, इसी तरीके से क्वेश्चन 5 में भी दे रखा है। और हमें ये प्रूव करने के लिए बोला गया है कि हर एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है, ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए सी इक्वल है बी सी के, हमें कैसे पता? क्योंकि इन्होंने हमें ये बोला है कि ए बी का मिड पॉइंट है सी। मिड पॉइंट का मतलब है ये है कि ए सी इक्वल है सी बी के या बी सी के, इसलिए हमने इसको यहाँ पर गिवन लिख दिया। ए सी इक्वल बी सी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमें गिवन है। अब हम यहाँ पे मान लेंगे लेट डी इज द अनदर मिड पॉइंट। हमें ये चीज़ प्रूफ करने के लिए कि हर एक लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट होता है, हमें यहाँ पर एक और मिड पॉइंट हम डी ले लेंगे, मान लेंगे इसको हम। ठीक है, ये है नहीं पर हमने लेट कर दिया, मान लिया अनदर मिड पॉइंट ए बी पे हमने ले लिया। सो अब जब अगर ए बी का मिड पॉइंट डी है तो इसका मतलब ये है कि अब ए डी इक्वल है डी बी के या बी डी के, ऐसे आप लिख सकते हो ए डी इक्वल बी डी। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमें ये प्रूफ करने के लिए कि सी ही ए बी का मिड पॉइंट है, कि एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे जो हमारा ए सी इक्वल बी सी फर्स्ट इक्वेशन है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और सेकेंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को हम इधर लिखेंगे, और दोनों की जो राइट हैंड साइड है उसको हम इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों को ही हमने सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन। तो जब ए सी में से ए डी को माइनस करेंगे तो भी सी डी आएगा, और बी सी में से बी डी को माइनस करेंगे तो माइनस सी डी आएगा। अब आपने इस चीज़ को ध्यान से समझना है कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले हमने ए सी है ये हमारा, इस ए सी में से हमने किसको माइनस किया? ए डी को। जब आप इस पूरे ए सी में से ए डी को माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका? सी डी बचेगा ना आपका, या डी सी बोलो या सी डी बोलो, यही बचेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे सी डी लिखा। अब यहाँ पे माइनस सी डी क्यों आया? देखो, अब हमें यहाँ पे बी सी, यहाँ पे ये बी सी है और यहाँ पे ये बी डी है, तो यहाँ पे हमें जो है वो माइनस करना है। जैसे पहले हमने ए सी में से ए डी को माइनस किया, इसी तरीके से अब हमें जो है बी सी में से बी डी को माइनस करना है। तो बी सी में से बी डी माइनस हो सकता है, क्योंकि बी सी तो छोटा है और बी डी बड़ा है। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर हमें मान लो यहाँ पे माइनस करने के लिए बोला जाता है 6 माइनस 2, तो क्या होता है हमारा? 4 होता है। अगर हमें इस तरीके से लिखा जाता है 2 माइनस 6, तो हम क्या लिखते हैं? -4 लिखते हैं ना। दोनों केस में से 6 में से ही 2 माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारी छोटी डिजिट पहले है और बड़ी डिजिट बाद में है। तो जब हम इस केस में करते हैं तो फिर हमारी जो बड़ी डिजिट के साथ साइन होता है वही हमारा आंसर में आता है। तो यहाँ पे भी सेम केस हो रहा है। ये देखो, ये बी सी हमारा छोटा नंबर है, एक तरह से मान लो कि ये छोटा है और बी डी हमारा बड़ा है। तो जब छोटे में से हम बड़ा माइनस करते हैं तो साथ में माइनस आता है, इसीलिए जब हम बी सी में से बी डी को माइनस कर रहे हैं तो एक तरह से हम ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा कट हो जाएगा और ये बचेगा। ठीक है, सी डी ही बचेगा, लेकिन कैसा बचेगा? साथ में माइनस का, क्योंकि हमने छोटे में से इस पूरे बड़े को माइनस किया तो हमारा सिर्फ सी डी ही बचा, तो इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे भी सी डी है, यहाँ पे माइनस सी डी है, दो सी डी है, ये माइनस है, ये इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इक्वल जीरो हो जाएगा। अब दो सी डी को प्लस करेंगे, अगर हम जब एक्स प्लस एक्स करते हैं तो क्या आता है? 2x आता है। इसी तरीके से सी डी प्लस सी डी करेंगे तो 2CD आएगा। ठीक है, इक्वल जीरो। अब ये इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके इसके साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0/2। अब जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जीरो ही आएगा। तो सी डी क्या हो गया? जीरो हो गया। सी डी जीरो होने का मतलब क्या है कि इनके बीच में कोई भी हमारा डिस्टेंस नहीं, यानी कि दोनों जो हैं वो, इसका मतलब ये है कि ये इसके बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो डी पॉइंट है ये सी ही है, इनके बीच में कुछ नहीं। जैसे कि हमने कोइंसाइड पढ़ा था ना, कि अगर मान लो एक लाइन है, अगर हम इस लाइन मान लो ये 1 सेंटीमीटर लाइन है, तो इसके ऊपर मैं एक 1 सेंटीमीटर लाइन इसके ऊपर रख देती हूँ तो ये ओवरलैप हो जाएगी, इसका मतलब ये इसका कोइंसाइड है, इसका मतलब ये दोनों सेम ही हैं, इक्वल ही हैं। इसी तरीके से इस पॉइंट के ऊपर सेम एक और पॉइंट, अगर मैं इसको इसके ऊपर रख देती हूँ तो ये ओवरलैप हो जाएगा,
तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल ही हैं। इसी तरीके से ये भी जो है इसके कोइंसाइड है, और इसका मतलब यहाँ पर जो है सिर्फ ये जो है एक ही पॉइंट है सी, क्योंकि इनके बीच में कोई भी जो है क्या आया है, ज़ीरो आया है। इसलिए हमने जो है इसको इस तरीके से प्रूव किया। सो सी एंड डी आर एग्जैक्टली एट द सेम, यानी कि सी और डी जो हैं वो सेम ही प्लेस पर हैं दोनों। इसका मतलब ये है, दस एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हर एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है, जो कि हमने यहाँ पे इसको प्रूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सिक्स है, फिगर 1.10, इफ़ ए सी इक्वल बी डी देन प्रूव डैट ए बी इक्वल सी डी। अब इन्होंने यहाँ पे हमें ये चीज़ दे रखी है कि जो ए से लेके सी तक है, यहाँ तक ये इक्वल है बी से लेके डी तक, ये इन्होंने हमें यहाँ पे दे दिया है। प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी है, ये वाला जो हिस्सा है ए से लेके बी और ये सी से लेके डी इक्वल है। अब इन्होंने हमें क्या बोला, ए से लेके सी और बी से डी इक्वल है, लेकिन अब हमें यहाँ से लेके ये वाला और यहाँ से लेके ये वाला प्रूफ करना है कि ये भी इक्वल है। तो ये जो चीज़ हमें दे रखी है ए सी इक्वल बी डी, वो तो हम लिख देंगे गिवन। अब देखो यहाँ पे ए सी का क्या मतलब है, ए सी के अंदर क्या चीज़ आ रही है, ए बी आ रहा है और बी सी आ रहा है। तो ए सी का मतलब है ए बी प्लस बी सी इक्वल। बी डी का क्या मतलब है, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, ये हमारा पूरा बी डी में आ रहा, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया। अब ए बी प्लस बी सी इक्वल बी सी प्लस सी डी, अब दोनों में बी सी है तो बी सी से बी सी कट जाएगा हमारा, तो बचा क्या हमारा ए बी इक्वल सी डी। यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी और हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सिक्स। क्वेश्चन सेवन है, वाई इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियोम, कंसिडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ, नॉट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। यहाँ पे जो है यूक्लिड की जो फिफ्थ एक्सियोम थी उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा गया है, यहाँ पे फिफ्थ पोस्टुलेट की बात नहीं हो रही है, एक्सियोम की बात हो रही है फिफ्थ वाले की, और वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है। तो जो एक्सियोम फिफ्थ थी वो क्या थी, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, कि जो होल है वो हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। जैसे कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मान लो आपके पास 100 रुपीज़ हैं, तो अगर हम उसके पार्ट करें 50, 10 या 40, इसके पार्ट्स करते हैं तो ये इन पार्ट से बड़ा है, 50 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, 40 से ग्रेटर है, तो हमेशा होल जो है वो पार्ट से बड़ा होता है। तो दिस इज़ अ ट्रू, ये सच है, फॉर एनी थिंग इज़ एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स। अगर आप यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में चले जाओ, किसी भी चीज़ में अगर आप देख लो, तो हमेशा आपको जो होल है यानी कि जो पूरी चीज़ जो होती है वो हमेशा बड़ी ही होती है पार्ट्स से। सो दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इसलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। ठीक है, इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.1 और चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।